हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजु फॉर टेक। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे रोबोटिक्स का इससे पहले हम लोग लेक्चर वन कवर कर चुके हैं, है ना, जहाँ पे हमने वहाँ पे डिफरेंट लॉज जो रोबोटिक्स के थे वो डिस्कस किए थे, और जो काउंसिल्स थी जो रोबोटिक्स से डील करती हैं हमने उनके बारे में जाना था। अब यहाँ पे हम लोग भी आगे अपना मूव करते हैं, है ना। इसमें लेक्चर नंबर टू आज का हमारा लेक्चर है, तो इसमें देखेंगे कि आगे हमें और क्या चीजें देखनी है। और देखो, यूपीपीएससी एई और ईएसई में रोबोटिक्स का जो सिलेबस है वो और सेम ही है ना, सेम ही है। तो जो यूपीपीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो ईएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं अभी। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए लास्ट टाइम पे, है ना, और मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर मुझे बताना। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा अटेम्प्ट, बट स्टिल मैं यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो क्वेश्चन देखो ये था कि कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी थी और हमें बताना था कि इन स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी कि जो रोबोट्स ओनली टेक परमिसिबल एक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रोबोट सिर्फ वही एक्शन ले सकता है जो हमने उसको अलाउ कर रखा है, है ना, यही इसका मतलब क्या है? यही है। और आपको याद होगा कि जो काउंसिल ने, है ना, जो हमारी काउंसिल्स थी, हमने जो लास्ट पढ़ा था वहां पे हमने देखा था कि काउंसिल्स क्या कहती है। काउंसिल ये कहती है कि जो भी परमिसिबल एक्शन रोबोट्स को दिया जाएगा रोबोट वही परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा ऑप्शन, मतलब मुझे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद सेकंड क्या लिखा है, सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है, ऑल एक्शंस दैट आर ऑब्लिगेटरी फॉर रोबोट्स आर एक्चुअली परफॉर्म बाय देम सब्जेक्ट टू टाइज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग्स अवेलेबल एक्शन। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी आप देख सकते हो कि जो भी एक्शंस हैं, है ना, जो रोबोट्स को मतलब ऑब्लिगेटरी है, मतलब उनको करना ही करना है, वो एक्चुअली क्या होता है, जो परफॉर्म किया जाता है उनके द्वारा, लेकिन क्या है कि सब्जेक्ट टू टाइज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है, उनको हटा के, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे जो लॉज हैं उसको भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो ये इनडायरेक्टली उस चीज को यहाँ पे रिलेट कर रहा है। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड हमें बात एक स्टेटमेंट और है, ये लिखा है कि ऑल परमिसिबल एक्शंस कैन बी प्रूव्ड बाय द रोबोट्स टू बी परमिसिबल एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन ऑर्डिनरी इंग्लिश, है ना। और क्या हो रहा है भी, उसको ऑर्डिनरी इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। मतलब यहाँ पे हमने कल लास्ट हमने जो पॉइंट देखा था कि जो लैंग्वेज होती है, जो यूजर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा, उसको मतलब ऐसी लैंग्वेज में प्रोवाइड करेगा ताकि वो यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल में क्या होती है, हमारे पास जो लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आता है तो वहां से आएगा जहां पे वो मेरा मोबाइल मैन्युफैक्चर हुआ है, प्लस अगर मैं इंडिया में हूं तो इंडिया में मुझे हिंदी में भी अवेलेबल मिलेगा लैंग्वेज और इंग्लिश में भी अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। तो हम जिसमें कंफर्टेबल हैं उसको हम लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है कि उसको एक्सप्लेन किया हुआ है इन ऑर्डिनरी इंग्लिश। अब देखो ऑर्डिनरी इंग्लिश में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में, अगर यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी की जगह अगर ओनली इंग्लिश यहाँ पे बोल देता तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा स्टेटमेंट होता वो रॉन्ग हो जाता, बट यहाँ पे उसने ओनली या फिर ये लगाया नहीं है, तो ध्यान रखना, इसलिए यहाँ का जो उसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये आंसर इसका डी दिया है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी आपका भी ईएसई में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। अब आगे मूव करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो जिस तरीके से हमने लॉस पढ़े थे, जो रोबोट्स के लॉस थे, है ना, वहां पे हमने बात की थी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और हमने उससे पहले क्या देखा था, उससे पहले हमने देखा था जीरोथ लॉ, ठीक है। तो हमने ये सारे लॉज वहां पे डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हमारे पास एक कह सकता हूं कि एक हमारे पास जो साइंटिस्ट या फिर इन्वेंटर बोल दो, इन्होंने भी कुछ लॉ दिए थे, तो उनका नाम था मार्क टिल्डन लॉस, है ना। मार्क टिल्डन साइंटिस्ट का नाम था उनका, इनके जो उन्होंने लॉ दिए थे वो लॉस कुछ इस तरीके से, पहला जो लॉ था वो ये बोल रहा था कि जो रोबोट है वो अपने एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करेगा हमेशा, ठीक है। तो पहली बात इन्होंने ये बोली कि जो रोबोट होगा वो हमेशा ही अपने एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करना है, मतलब अपने वर्चस्व को बनाए रखेगा रोबोट। दूसरा ये बोला गया कि जो रोबोट है उसको ऑब्टेन करना है और मेंटेन करना है अपना पावर सोर्स,
ठीक है, रोबोट को अपना जो पावर सोर्स है उसको मेंटेन करके रखना है। और जो उन्होंने थर्ड लॉ ये बताया कि जो रोबोट है वो हमेशा ही क्या करेगा, बेटर पावर सोर्स की तरफ कह सकता हूं सर्च करता रहेगा। मतलब ऐसा समझ सकते हैं क्या कि आजकल जो मोबाइल के जो चार्जर्स हैं, है ना, जो मोबाइल के चार्जर हैं वो फास्ट चार्जर आ चुके हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम ऑफिस में निकलते हैं या फिर कहीं निकल जाते हैं तो गलती से क्या होता है, हमारा जो चार्जर होता है जो फास्ट चार्जिंग करता था वो घर पे रह जाता है। अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, भी फोन को तो चार्ज करना है ना, तो फोन को चार्ज करना है, लेकिन क्या हो रहा है कि अब फिलहाल हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो भी अवेलेबल है, जो भी पावर सोर्स अवेलेबल है, हम उससे नॉर्मली चार्ज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं घर आता हूं या फिर मुझे उससे एक बेटर चार्जर मिल जाए जो फास्ट चार्जिंग सर्विस प्रोवाइड करे, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस वाले को प्रिफर करूंगा। उसी तरीके से क्या होगा कि जो रोबोट होगा हमेशा ही क्या करेगा, बेटर पावर सोर्स की तरफ मतलब सर्च करता रहेगा। तो यहां से मुझे एक चीज पता लग रही है कि जो मार्क टिल्डन ने जो लॉ दिए थे वो कहीं ना कहीं रोबोट सेंट्रिक, है ना, रोबोट सेंट्रिक होकर दिए थे। मतलब यहाँ पे सारी की सारी बातें किसके फेवर में हो रही थी, यहाँ पे सारी की सारी बातें हो रही थी भी रोबोट के फेवर में। तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, भी रोबोट सेंट्रिक है। और उससे पहले हमने आइज़ैक एसिमोव्स के लॉ देखे थे, जो हमने लॉज पढ़े थे, और वहां पे देखा था हमने, वहां पे प्रिफरेंस किसको दी थी, वहां पे हमने प्रिफरेंस दी थी किसको, ह्यूमैनिटी को, या मैं कह सकता हूं ह्यूमंस को वहां पे हमने प्रिफर किया था, ठीक है। तो ये आपको भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो कभी अगर ऑब्जेक्टिव में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि मार्क टिल्डन लॉ का जो कह सकता हूं कि जो सेंट्रिक था, है ना, जो उनका फोकस था वो किस पर था, वो सिर्फ किस पर था, वो रोबोट के बेसिस पे था, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। तो यहां पे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है क्या कि जो आइज़ैक एसिमोव के जो लॉस थे, ठीक है, और जो जीरोथ लॉ था वो बेसिकली क्या था, वो बेसिकली ह्यूमन सेंट्रिक लॉस थे, ठीक है, वो ह्यूमन को फोकस करके हमने कह सकता हूं कि यहाँ पे बनाए गए थे। बल्कि और अगर मैं बात करूं मार्क टिल्डन लॉस के, तो वो बेसिकली क्या थे, भी रोबोट सेंटर्ड लॉस थे, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ठीक है, मार्क टिल्डन ने क्या किया, रोबोट को प्रीफर किया, और जो आइज़ैक एसिमोव था उन्होंने ह्यूमन को फोकस किया, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि क्या होता है, कभी कभी हमारे पास क्या होता है, प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं किसकी। अगर मैं बात करूंगा जो हमने लॉज ऑफ रोबोटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, लॉज ऑफ रोबोटिक्स में, तो लॉज ऑफ रोबोटिक्स में हमने भी जीरोथ लॉ देखा, फिर हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, फिर हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था, और हमने थर्ड लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो अगर प्रायोरिटी की बात करूंगा तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दूंगा, भी सबसे पहले तो हम पूरे ह्यूमैनिटी को देंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हायर लेवल होगा या फिर हाई प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जीरोथ लॉ को मिलेगी। उसके बाद में किस पे जाऊंगा, उसके बाद में जाऊंगा भी ह्यूमंस के पास, तो ह्यूमंस को मैं दूंगा भी सेकंड प्रायोरिटी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर्स वगैरह है उसको, तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है। मतलब हम लोग ऊपर, सबसे ऊपर जो रखेंगे, प्रीफर किसको करेंगे, जीरोथ लॉ को, उसके बाद फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से हम लोग मूव करेंगे। तो कभी कभी हो सकता है इस तरीके से आपसे पूछ ले जाए, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप जो भी लॉस थे रोबोटिक्स से वो आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, और कोई लॉ अब इसमें नहीं आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे हम बात करते हैं जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट, है ना। कंपोनेंट्स जो रोबोट्स के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं भी हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है। तो देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बेस मिलेगा आपको रोबोट का, फिर क्या होंगे इसमें, लिंक्स होंगे, ज्वाइंट्स होंगे, एंड इफेक्टर या ग्रिपर्स होंगे, रिस्ट होगी, ठीक है, फिर क्या होगा भी, ड्राइव यूनिट होगी या एक्चुएटर होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोलर होगा या सेंसर होगा। मतलब एक बेस हो सकता है, भाई बेस क्या है, जिस तरीके से किसी भी एक सकता हूं, एक तरीके से रोबोट की ये नींव है, ठीक है, जहां पे रोबोट की पूरी असेंबली क्या हो सकती है, भी कह सकता हूं वहां पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे मुझे बेस दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, इन्होंने बेस दे रखा है, ठीक है। अब इस बेस को हो सकता है यहां से फिक्स कर दिया जाए,
और यह हो सकता है भी यहाँ पे रोलर लगा दिया जाए, तो अगर रोलर लगाएंगे तो ये रोबोट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है फ्रीली। अगर मैं इस बेस को फिक्स कर दूं तो ये रोबोट मूव नहीं करेगा, ठीक है। जैसा हमने कहा देखा, हमने कार असेंबली में देखा है कि वहां पर रोबोट्स होते हैं, उनका कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है और वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उनका बेस जो होता है वो फिक्स होता है, वो मूव नहीं करता, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है भी रोबोट्स की कह सकता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकती है, उसमें लिंक्स होंगी, जॉइंट्स होंगे। देखो आपको क्या दिख रही है, एक लिंक ये दिखाई दे रही है, ठीक है, एक लिंक ये दिखाई दे रही है, एक लिंक ये दिखाई दे रही है, एक लिंक ये दिखाई दे रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जॉइंट बना रखे हैं, यहाँ पे क्या दिखा रखे हैं आपको, जॉइंट दे रखे हैं ताकि रोबोट आसानी से मूव कर सके, ठीक है। तो कह सकता हूं कि यहाँ पे लिंक्स भी होंगे, जॉइंट्स भी हमें मिलेंगे, एंड इफेक्टर्स और ग्रिपर, कहने का मतलब ये है कि जैसे मुझे ये दिखाई दे रहा है भी लास्ट में, तो लास्ट में क्या हो सकता है भी एंड इफेक्टर की बात हो रही है या ग्रिपर हम लोग बोल देते हैं। बेसिकली क्या है कि जो भी जॉब होगी उसको होल्ड करना, या मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी तरफ प्लेस करना, या हो सकता है मैं यहाँ पे क्या लगा दू, इस ग्रिपर की जगह एक टूल लगा दू। सपोज करो मैंने यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च लगा दी, तो क्या करेगा, अब ये सिर्फ वेल्डिंग करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इन एंड इफेक्टर में हमें क्या मिलता है, जो भी आउटपुट मिलता है वो कहां दिखता है हमें, एंड इफेक्टर में दिखता है। और आप देख सकते हो भी रिस्ट, जिस तरीके से ह्यूमन की रिस्ट होती है वो क्या करती है भी, ओरिएंटेशन कर सकती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो घूम सकती है, ठीक है, अप एंड डाउन मोशन कर सकती है, या फिर राइट हैंड मोशन भी कर सकती है, मतलब थोड़ी सी सर्कुलर भी हो सकती है। अपनी रिस्ट को आप घुमाओ तो आप घुमा सकते हो उसके ऊपर नीचे, जैसे आप क्या करते हो भी पेंटिंग करते हो, तो पेंटिंग में क्या होता है, जो वॉल पेंटिंग होती है आप क्या करते हो, ब्रश को अप एंड डाउन लेके जा सकते हो, राइट हैंड लेफ्ट ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी हम मोशन इसमें पॉसिबल है, तो ये रिस्ट होती है, ठीक है, जो हमारे आर्म से कनेक्ट होती है। उसके बाद आप देख सकते हो, तो देखो ये जो लिंक्स है और ये एंड इफेक्टर है और जो रिस्ट है, ये बेसिकली ये तीनों हमारे किसमें मिल जाते हैं, इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं मैनिपुलेटर, ठीक है, मैनिपुलेटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भी, इन सारी असेंबली को, इन सारे कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ते हैं, तो वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को एक स्कीमेटिक डायग्राम में कह सकता हूँ ये रोबोट का दिखाई दे रहा है, ये पूरी कंप्लीट असेंबली है रोबोट की। तो आप देख सकते हो कि एक हमने बात की थी किसकी, एक बेस होगा, तो ये बेस है, यहाँ पे देखो फिक्स कर रखा है, तो ये मेरा फिक्स टाइप बेस हो गया। अब इस बेस से हम क्या करेंगे, कुछ कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए भी, ज्वाइंट चाहिए, तो यहाँ पे एक टाइप का ज्वाइंट हमने प्रोवाइड कर दिया। अब ये जॉइंट से जो कनेक्ट करूंगा, ये क्या होंगे, कुछ रिजिड कंपोनेंट होंगे, क्या होंगे, ये कुछ रिजिड कंपोनेंट होंगे जो इस जॉइंट और बेस से हम क्या करेंगे, जॉइंट की मदद से इनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने बेसिकली क्या बोल देते हैं, या तो आप लिंक बोल सकते हो या आप इसको आर्म बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग या तो लिंक के नाम से जानते हैं या इसको आर्म्स के नाम से जानते हैं। फिर क्या हो रहा है, सपोज करो ये मेरे पास क्या है, लिंक नंबर जीरो है ना, हम लिंक को ऐसे करते हैं 0, 1, 2 नंबरिंग देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा भी, अब इस लिंक से मुझे एक लिंक और क्या करनी है, कनेक्ट करनी है। ये कुछ नहीं है, आप एज्यूम कर सकते हो कि सपोज करो ये जो आपका जो बेस है या क्या है, आपकी बॉडी है, उस बॉडी से क्या हुआ, आपके शोल्डर पे एक जॉइंट आया, सपोज करो ये शोल्डर पे जॉइंट है, फिर क्या हुआ, इससे आपकी एक आर्म निकली, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये आपकी कह सकता हूं ये जो हम लोग बोल देते हैं ना कोनी है, ये वही एक जॉइंट है। उसके बाद क्या है, फिर से आपकी आर्म आगे कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है कि कह सकता हूँ ये लिंक नंबर फर्स्ट है। और क्या हो रहा है, अब इसको फाइनली हमने किससे कनेक्ट कर दिया, अभी हमने एक लिंक से और कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक लिंक से और कनेक्ट कर दिया, फिर हमने एक लिंक से और कनेक्ट कर दिया, फिर ये हमारे पास एक रिस्ट आ चुकी है, ठीक है, जहां पे हमारा क्या होता है भी हैंड होता है जो मूव कर सकता है, और यहाँ पे हमारा क्या है एंड इफेक्टर है जो क्या कर सकता है, कोई भी कंपोनेंट या फिर जो भी आउटपुट होगा वो हमें यहां से पता लग जाएगा कि क्या ये कर रहा है, ठीक है। तो इतना जो पार्ट है ये जो आपको दिखाई दे रही है, इतनी असेंबली में कह सकता हूं ये पूरी की पूरी, ये जो चीज दिख रही है मुझे, ये है मेरा रोबोट, ठीक है, ये है मेरा क्या रोबोट जो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि इसको चलाने के लिए, भाई इसको ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ क्या चाहिए भी, एक ड्राइव यूनिट चाहिए। तो ड्राइव यूनिट क्या करेगी, इसको चलाएगी, ठीक है।
अब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कंट्रोलर जिस तरीके से हमारे पास का होता है ब्रेन होता है, उसी तरीके से रोबोट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई कह सकता हूं कि एआई होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर से हम लोग क्या कर सकते हैं इस रोबोट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें कंट्रोलर चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोलर का जो मेन काम होगा वो ये बताएगा क्या कि रोबोट जो हमें, हमने जो रोबोट को डिजाइन किया है उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब कभी कभी क्या हो सकता है भी, ऐसा हो सकता है कि रोबोट को हमें भी क्या करना है, जज भी तो करना है, मतलब हमें ये भी देखना है कि जो पर्टिकुलर टास्क जो रोबोट परफॉर्म कर रहा है क्या वो सही कर रहा है या फिर कुछ उसमें गलती वगैरह हो रही है। तो उसको करने के लिए हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो हमें क्या दे सके, यहां से फीडबैक प्रोवाइड करा सके, ठीक है, किसको, कंट्रोलर को, ताकि कंट्रोल क्या कर सके, फिर से उसको कंट्रोल करे और ऑर्डर इश्यू करे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे एक सेंसर चाहिए होगा, सेंसर चाहिए होगा जो क्या करेगा, यहां से फीडबैक लेगा और इस फीडबैक को कंट्रोलर में प्रोवाइड करेगा और कंट्रोलर फिर क्या करेगा भी, आगे इसको ड्राइव यूनिट में जाएगा और इस तरीके से क्या होगा, हमारा रोबोट का जो वर्क है वो यहाँ पे परफॉर्म होता रहेगा, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूँ एक ओवरव्यू है, आपको रोबोट का आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स का क्या क्या रोल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं भी यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, बेस होता है। तो बेस मैंने आपको बता दिया क्या करेगा, जो रोबोट का स्ट्रक्चर है उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और क्या हो सकता है भी, ये बेस मेरा या तो स्टेशनरी टाइप हो सकता है या फिर मोबाइल इन नेचर, मतलब क्या कर सकता है, तो मूव कर सकता है या स्टेशनरी रहेगा, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, मैन्युपुलेटर आती है। तो मैन्युपुलेटर में हमारे पास क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, मटेरियल को मैन्युपुलेट करेगा, क्या करेगा, मटेरियल को मैन्युपुलेट करेगा, लेकिन कभी भी फिजिकली कांटेक्ट नहीं करेगा किसके साथ, ऑपरेटर के साथ, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें देख सकते हैं भी जॉइंट्स होते हैं और क्या होते हैं, लिंक्स होते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है भी यहाँ पे लिंक नंबर वन है, ये लिंक नंबर हमने क्या दे दी, इसको जीरो दे दी, ये हमारा क्या हो गया अभी बेस हो गया है, ठीक है। फिर क्या है भी यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे फिर एक और जॉइंट आपको मिल रहा है, ये लिंक नंबर टू हो गई है, ये जॉइंट हो गया है, ये लिंक थ्री हो गई है, फिर एंड आर्म हो गए हैं। तो ये हमारे पास क्या है भी, हमारे पास ये सारे के सारे क्या है, मैन्युपुलेटर के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स का काम क्या होता है भी, जॉइंट्स आपके जो बॉडी में जॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपको पता है रिलेटिव मोशन करते हैं, ठीक है। एक लिंक के रेस्पेक्ट में दूसरी लिंक किस तरीके से मूव कर रही है वो क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। आई होप आपको थ्योरी ऑफ मशीन में आपने पूरा पढ़ा होगा वहां पे, ठीक है, तो आपको इसका बिल्कुल आइडिया होगा। उसके बाद देख सकते हैं कि जो लिंक क्या होते हैं भी, लिंक हमने बता चुके हैं कि लिंक क्या होते हैं, हमारे रिजिड मेंबर्स होते हैं, कहां पे होते हैं, जॉइंट्स के बीच में होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। एक लीनियर टाइप होता है, एक मेरे पास होता है रोटरी टाइप का, ठीक है। अब क्या होता है भी, इन सब की अपनी पर्टिकुलर कह सकता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो हर जॉइंट क्या करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे, लेकिन ये आज हमारा आज का ये काम नहीं है, ठीक है, हम इसको आगे भी देखेंगे, है ना। बाकी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम भली भली जानते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है भी, अब इसमें क्या लिखा है कि मोस्ट रोबोट पजेसेस 5 और 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये कैसे होता है ये हम लोग पूरी बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। सारी चीजें एक जगह कह सकता हूं कि अभी नहीं बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद हो सकता है कि जो रोबोट मैनिपुलेटर होता है इसमें क्या होते हैं, दो सेक्शन होते हैं। एक मेरे पास होता है बॉडी एंड आर्म सेक्शन होता है, ठीक है, जिसका काम क्या है, जिसका काम ये होता है कि पोजीशनिंग प्रोवाइड करता है रोबोट्स वर्क वॉल्यूम को। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है भाई, हमें पता है क्या कि हमारे पास क्या होती है, तीन एक्सिस होती है, बेसिकली क्या होती है, तीन एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड। आप क्या करना है भाई, आपको रोबोट को इसको सपोज करो, इसकी कुछ ये पोजिशन मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, तो इसकी एक्स वाई जेड, तो ये जो पोजीशन मुझे बता रहा है वो कौन बता रहा है, ये मुझे बता रहा है बॉडी एंड आर्म की पोजीशन बता रहा है। भी सिंपल समझ सकते हो क्या, आपने क्या किया कि एक टेबल पे आपके पास क्या रखा है, एक पेन रखा है, ठीक है, सपोज करो लेफ्ट साइड रखा है, तो आपने क्या किया भी, अपने आर्म को आगे बढ़ाया, उस पेन को उठाया और आपने क्या किया, उसकी पोजीशन को जो लेफ्ट साइड रखा था उसको आपने राइट साइड रख दिया, तो ये क्या हो गया, ये उस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, पोजीशनिंग चेंज कर दी।
अब मैं कहता हूं कि आपको क्या करना है अभी, अब सपोज करो आपने क्या करना है, मैं ये बोल सकता हूं क्या कि अगर रिस्ट की असेंबली की बात करूंगा तो मैं कहता हूं कि आपको ये करना है, जो कॉपी रखी थी, जो कॉपी सपोज करो एक कॉपी रखी है ठीक है, और अभी बिल्कुल कह सकता हूं कि ऊपर लिखा है सपोज करो इस कॉपी के ऊपर लिखा है ऐसे करके नंबर वन ठीक है। अब आपने क्या किया अभी इस टेबल जो लेफ्ट साइड में पड़ी थी आपने आर्म ली, पोजिशनिंग करी, यहां तक पहुंचे और आपने क्या किया इसको कॉपी को उठाया। अब मैं कहता हूं आपको राइट साइड उठाना है, लेकिन आपने क्या करना है इस कॉपी का वन साइड वन लिखा हुआ है वो नहीं करना है, आपने इसके बैक साइड, इसकी जो बैक साइड है उस पोजीशन को रखना है। तो क्या करोगे आप अपनी रिस्ट को क्या करोगे ओरिएंट करोगे, मतलब घुमाओगे, और जब आप घुमाओगे तो जिसका जो कह सकता हूं जो फ्रंट साइड है वो क्या हो जाएगा बैक साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया आपने अपने रिस्ट का यूज किया, तो ओरिएंटेशन के लिए हम क्या करेंगे रिस्ट का यूज करते हैं ठीक है। तो आई होप आपको ये मैनिपुलेटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आ गई होगी। तो देखते हैं यार कि लिंक्स और जॉइंट्स के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स होती है उसमें क्या क्या होते हैं हमें पता है कि लिंक्स भी होती हैं और क्या होती हैं जॉइंट्स होती हैं। जो ये लिंक्स होती हैं वो क्या होती हैं वो रिजिड कंपोनेंट्स होती हैं, और जो इनकी नंबरिंग करते हैं 0, 1, 2 से लेके हम लोग क्या करते हैं एन नंबर ऑफ लिंक्स तक इनकी वर्किंग मतलब नंबरिंग करते हैं ठीक है। ये आपने पूरा थ्योरी मशीन में पढ़ा होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि हमें पता है कि एक हमारे पास क्या होती थी, जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स की बात कर लेते हैं ठीक है, थ्योरी मशीन में चले जाते हैं, तो होता क्या था कि हम क्या करते थे भी यहाँ पे एक लिंक लगा देते इस तरीके से ठीक है। सपोज करो इस तरीके से हम क्या लगा रहे हैं लिंक लगा रहे हैं ठीक है, तो हमने बोलते थे कि ये जो फिक्स है ये जो फिक्स लिंक है इसको हम लोग क्या बोलते थे लिंक नंबर 0 काउंट करते थे, फिर इसको 1 इसको 2 इस तरीके से हम लोग काउंट करते थे। उसी तरीके से क्या है कि अगर सपोज करो कि मैं क्या कर दूं भी इसको फ्री कर दूं, मतलब मैं इस डायग्राम को इस तरीके से बना दूं, इस तरीके से कर दिया ठीक है, और मैंने क्या लगा दी भी यहां पे सपोज करो एक एंड इफेक्टर लगा दिया, तो क्या होगा अब ये फिक्स हो चुकी है लिंक ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि जो बेस है ये क्या है भी मेरा रोबोट का क्या होता है बेस होता है, तो इस बेस के जो नियर होगी उसको मैं क्या बोल दूंगा अभी इनपुट लिंक बोल दूंगा, और क्या होगी ये सपोज ये मेरा क्या है भी एंड इफेक्टर है, इसको डबल ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो जो एंड इफेक्टर के पास जो होगी वो मेरी क्या कहलाएगी भी आउटपुट लिंक कहलाएगी। यहां से तो पता लगेगा कि आपको आपकी चीजें हो क्या रही है ना, किस चीज का मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो काम पता लगता है आपको एंड इफेक्टर में ही आपको आउटपुट मिलता है। तो ध्यान रखना हमेशा क्या कि जो इनपुट लिंक होगी वो बेस पे लगेगी और जो आउटपुट लिंक होगी वो कहां लगेगी हमेशा एंड इफेक्टर के या फिर टूल पे माउंट होगी सही है। तो उसके बाद देखते हैं कि जॉइंट्स क्या होते हैं, तो जॉइंट्स क्या है भी हमारे पास ये क्या करते हैं रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव मूवमेंट को क्या करते हैं दो लिंक्स के आपस में क्या करते हैं रिलेटिव मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, और जो इनकी नंबरिंग करते हैं वो 1, 2 से लेके हम लोग क्या करते हैं भी ऐसे एन नंबर ऑफ कर सकते हैं ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं क्या, मैं यहाँ पे अगर मैं एक फिगर बनाता हूं तो भी इस तरीके से मैं कह सकता हूं क्या कि सपोज करो अगर मुझे लिंक दिखानी है तो ये मेरे पास क्या है भी दो जॉइंट्स है ठीक है, ये मेरे पास क्या है जो जॉइंट्स है, सपोज करो मैंने इसको बोल दिया भी जॉइंट नंबर आई, इसको बोल दिया भी जॉइंट नंबर आई प्लस वन, मतलब ये 1 हो गया ये 2 हो गया, तो बीच में क्या आएगी मेरे पास एक लिंक आएगी एल आई मैंने बोल दिया। उसी तरीके से अगर मैं दिखाना चाहूं किसको, अगर मैं जॉइंट को दिखाना चाहूं तो ये सपोज करो ये जॉइंट नंबर आई है तो क्या होगा भी इस पे एक लिंक होगी इससे पहले और इससे पहले एक लिंक होगी, तो वो लिंक क्या होगी जो इससे एक नंबर पहले होगी और एक लिंक क्या होगी जो इसके बाद में ठीक है। तो ये कितनी है रिप्रेजेंटेशन है आपको मैंने समझा दिया थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया दे दिया ठीक है। अब देखते हैं भी हमारे पास क्या होता है जो जॉइंट्स का जो काम है वो बेसिकली क्या है, वो जो दो लिंक्स हमने लगा रखी हैं उनके आपस में रिलेटिव मूवमेंट को क्या करना है प्रोवाइड कराना है ठीक है। तो अब देखते हैं भी जॉइंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको ठीक है और क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो देखते हैं जॉइंट की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जॉइंट्स हमारे पास क्या होता है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, या तो ये मेरे पास क्या होगा भी ट्रांसलेशन या प्रिज्मेटिक टाइप का होगा, या मेरे पास क्या होगा भी रेवोल्यूट या रोटरी टाइप का हो सकता है ठीक है। अगर मैं बात करूं इस ट्रांसलेशन या फिर प्रिज्मेटिक की बात करता हूं तो ये भी हमारे पास क्या होता है फर्दर 2 टाइप्स का होता है, या तो लीनियर टाइप होगा या फिर क्या होगा ऑर्थोगोनल ज्वाइंट टाइप होता है ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी रेवोल्यूट या रोटरी ज्वाइंट की, तो ये हमारे पास क्या होते हैं इनको 3 टाइप में क्लासीफाई किया होता है, एक होता है रिवॉल्विंग ज्वाइंट, दूसरा होता है मेरे पास रोटेशनल जॉइंट और तीसरा होता है मेरे पास
ट्विस्टिंग जॉइंट। तो हमें क्या करना है, इन सारे जॉइंट्स को काफी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भी, इन जॉइंट्स को कह सकता हूं कि अपना आगे स्टडी करते हैं, देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या होता है और किस तरीके से ये जॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। और क्या होता है, बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो नोटेशन हो सकता है या कैसा ये मूवमेंट हो रहा है वो उससे पूछ सकता है, ठीक है। तो देखा जाए तो आपको भी इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है क्या कि ट्रांसलेशन मोशन में हमने देखा कि दो टाइप्स के जॉइंट्स थे, क्या तो लीनियर जॉइंट हो सकता है या मेरे पास हो सकता है ऑर्थोगोनल जॉइंट हो सकता है। तो लीनियर जॉइंट मेरे पास क्या होता है भी, एल टाइप से हम क्या करते हैं इसको डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। ऑर्थोगोनल को हम क्या करते हैं भी, ओ टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। रोटरी वाले को क्या कर सकते हैं हम लोग, रोटरी में तीन आते हैं, रोटेशनल, ट्विस्टिंग या रिवॉल्विंग। तो देखो रोटेशनल, आर फॉर रोटेशनल तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, टी फॉर ट्विस्टिंग, टी फॉर ट्विस्टिंग याद रख सकते हो। अब रिवॉल्विंग और रोटेशनल में कंफ्यूज मत होना, देखो रिवॉल्विंग में क्या आता है, वी आता है, तो आप इस चीज को इससे रिलेट कर सकते हो कि रिवॉल्विंग में क्या आता है, वी आता है, तो ये क्या हो जाएगा, वी टाइप का ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, आपको इसको याद करना है, ठीक है, एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बेसिकली अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो ज्वाइंट्स होते हैं उनका रिलेटिव मोशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं किसकी, लीनियर ज्वाइंट की, मैं यहां पे बात करता हूं, ठीक है। तो लीनियर ज्वाइंट में क्या होता है, आप देख सकते हो भी, सिंपल में क्या बोलूं, अगर आप देखना चाहो तो ये सपोज करो ये लिंक नंबर वन है मेरे पास और ये लिंक नंबर मेरे पास टू है, ठीक है। आपने क्या किया अभी इस लिंक को, ठीक है, इस लिंक को क्या किया, अगर मैं इसका ये वाला मोशन को क्या कर देता हूं, मैं इस वाले मोशन को अलाउ नहीं करता, ठीक है, और मैं करता हूं सिर्फ इसका ये वाला ही मोशन पॉसिबल कर सकता हूं। सपोज करो जो लिंक नंबर वन है इसको मैंने इनपुट बोल दिया, पर ये मेरे पास क्या आउटपुट लिंक है, तो आप क्या करोगे जब इसको इस डायरेक्शन में करोगे भी मूव कराओगे, मतलब ट्रांसलेटेड डायरेक्शन में मूव कराओगे, तो ये क्या करेगी भी, लिंक इस तरीके से मूव करेगी। तो ये जो मोशन आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा मोशन है, ये आपको लीनियर मोशन दिखाई दे रहा है। और इसी टाइप के जॉइंट को, ये जो जॉइंट बन रहा है इन दो लिंक से मिलके, इसको हमने बोल दिया क्या, लीनियर जॉइंट बोल दिया है। तो आप इसमें भी देख सकते हो क्या, इसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये जो लिंक है और ये जो लिंक नंबर, सपोज करो ये लिंक मेरे पास क्या है वन है और ये मेरे पास क्या है लिंक नंबर टू है और ये मैंने जॉइंट प्रोवाइड कर रखा है आपस में, तो क्या होगा जब हम क्या करेंगे भी, इस इनपुट लिंक को क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेशन मोशन देंगे, तो क्या होगा भी, ये वाला मोशन सिर्फ और सिर्फ लीनियर डायरेक्शन में ही पॉसिबल होगा। तो मैं यहां से एक चीज बता सकता हूं क्या, कि यहां से फाइनली ये चीज बोल सकता हूं कि जो इनपुट लिंक है और जो आउटपुट लिंक है वो दोनों ही कैसी होंगी, वो दोनों ही क्या होंगी हमारे पास, पैरेलल होंगी। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों के दोनों कैसी हैं, दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रखी हुई हैं। और सेकंड आपको पॉइंट जो ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि जो मोशन होगा आउटपुट लिंक का वो क्या होगा, इनपुट लिंक की डायरेक्शन के एक्सिस पर ही होगा। मतलब अगर ये इनपुट लिंक की मेरे पास क्या है भी, यहाँ पे एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, सपोज करो एक्सिस ऑफ इसकी लिंक नंबर वन बोल देता हूं, तो आपको क्या दिख रहा है, जो आउटपुट लिंक की जो भी डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, सेम ही एक्सिस में आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपको लीनियर जॉइंट के बारे में बिल्कुल क्लियरिफिकेशन हो गया होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि लीनियर जॉइंट कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट और देखते हैं, आज का हम लोग देखते हैं अपना सेकंड जॉइंट जिसको मैंने बोला है क्या, ऑर्थोगोनल जॉइंट। तो ऑर्थोगोनल जॉइंट में हम लोग देख सकते हैं कि देखो नाम में क्या छिपा है भी, ऑर्थो, और इसका मतलब हमें पता होता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो जॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो रहा होगा, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं सिंपल, देखो इस तरीके से समझ सकते हैं क्या, कि ये मेरे पास क्या है भी, एक इनपुट लिंक है और ये सपोज करो मेरे पास आउटपुट लिंक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस इनपुट लिंक को इस डायरेक्शन में मूव कराते हो तो ये आउटपुट क्या करेगी भी, इसके ठीक 90 डिग्री पे। तो आप यहां से देख सकते हो कि अगर इसकी एक्सिस मैं ड्रॉ करूं, यहां पे ये इनपुट की एक्सिस हो गई और ये मेरे पास आउटपुट की हो गई, तो ये दोनों आपस में कैसे दिखाई दे रही हैं, आपको 90 डिग्री में रखी हुई दिखाई दे रही है। तो मोशन क्या होगा, जो आउटपुट लिंक का होगा इस इनपुट लिंक के रेस्पेक्ट में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, इनपुट लिंक की एक्सिस के, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस लिंक को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल जॉइंट, और इसको हम लोग ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो भी, अगर आप इसको इस तरीके से मूव करोगे तो ये जो आउटपुट लिंक का जो मोशन होगा वो क्या होगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया अभी, अब तक
कह सकता हूँ कि ये जो दो टाइप्स के जो कह सकता हूँ लीनियर टाइप का जो लिंक है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वाला जो लिंक है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब जो बाकी के जो रिमेनिंग मेरे पास जो रोटरी वाला रह गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और इसी लेक्चर का मैं एक सब पार्ट लेके आऊंगा ताकि क्या हो सके ये लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो और आप इसको धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीपीएससी एई को टारगेट रखा हुआ है या इवन ईएसई में, तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, मतलब रोबोटिक्स आपका सिलेबस में है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा और कोई भी क्वेरी हो कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें जरूर बताइए। हमने टेलीग्राम लिंक आपको प्रोवाइड करा रखा है, आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो आता है या फिर कोई भी अपडेट आती है तो वहां पे आप इसको मतलब नॉर्मली आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर हम क्या करेंगे भी नेक्स्ट पार्ट में इसी का मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, जो भी रिमेनिंग जॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी कंपोनेंट्स बचे थे उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।